मिशन 2019 पर पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस और एनसीपी के नेता ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे। मुझे कांग्रेस के लोगों से कोई उम्मीद नहीं क्योंकि ये सब उन्हीं के पैदावार है। उन्होंने जनता से कहा कि वो आपको तय करना है कि आपको ईमानदार चौकीदार चाहिए या फिर भ्रष्टाचारी नामदार, हिंदुस्तान के हीरो की आपको जरूरत है या फिर पाकिस्तान के पैरवीकारों की। उन्होंने जनता से सोच समझकर वोट करने की भी अपील की। जी आपको बता दें, पीएम मोदी ने जनता को सोच समझकर वोट करने की अपील की और साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जमकर प्रहार किए। पीएम मोदी ने जमकर प्रहार किया और साथ ही ये भी कहा कि आपको ईमानदार चौकीदार चाहिए या फिर नामदार भ्रष्टाचारी, यह आपको तय करना है और सोच समझकर या तो आप अपने हीरो को सपोर्ट करें या फिर पाकिस्तान के पैरवी करने वालों को।